हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में सर कल एक बैठक आयोजित हुई जिसमें उपचुनाव की 9 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन ये चर्चा ये चल रही है कि निषाद पार्टी को एक भी सीट जो है वो नहीं दी जा रही। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चर्चा पर्चा और खर्चा तो राजनीति का सिद्धांत है, लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है उसे नहीं कर सकते। वो भाजपा की अपनी बैठक है, वो एक बड़ी पार्टी है, लेकिन सहयोगी दलों की फिर बैठक होती है आपस में, उसके बाद जो निर्णय होते हैं फिर आपस में अलग अलग निर्णय। अभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक होगी, प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक होगी, उसके बाद फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, फिर होगा। अभी तो फिलहाल जो है हमको लगता है कि जिस तरीके से जो हमने 10 सीटों पर अपने लोगों को टीम लगा रखी है जीत के लिए, एनडीए के मझवा और कटहरी पहले भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, एक जीते थे और एक थोड़े कम वोटों से हारे थे, तो तैयारी है उसमें। तो हमें पूरा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से अपना गठबंधन धर्म निभाती रही है और बेहतर परिणाम के लिए गठबंधन धर्म के हिसाब से दोनों सीटें निषाद पार्टी को लड़ने का अवसर नहीं। आरएलडी को तो एक सीट पर सर चर्चा चल रही है मीरापुर की, लेकिन बीजेपी आला कमान ने आप लोगों को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करी है, तो ऐसा तो नहीं है सर कि दोनों में से एक भी सीट ना मिले, क्योंकि चर्चा तो सर यही चल रही है और आप तो 2 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तैयारी भी चल रही है, सुनने में तो ये भी आया प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा है। अब हमको तो देखने में आरएलडी से भी कोई बैठक नहीं हुई है दिल्ली में प्रदेश की, तो हमसे भी नहीं हुई है, तो चर्चा कुछ भी चल सकता है। आरएलडी से बैठक हो जाए, हमारी बैठक ना हो तो उस पर बयान दिया जा सकता है, लेकिन अभी जब बैठकें होती हैं, पहले भी रही है, 2019 में आया, 2022 में रहा, 2024 में, तो अक्सर पहले मैं प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक होती, पहले वो आपस में बैठते हैं, फिर हम लोग आपस में बैठते हैं, फिर दोनों नेतृत्व दोनों गठबंधन दल बैठते हैं, तो यहाँ बैठेंगे फिर दिल्ली बैठते हैं। अभी सीटों को लेकर कुछ सीएम योगी से मुलाकात चर्चा है कुछ? अभी क्योंकि मैं उनकी माता जी की तबीयत खराब थी और मैंने टाइम डाला था उनसे मिलने का, संवेदना, चूँकि हम लोग हमारे अभिभावक हैं और मार्गदर्शक हैं, बहुत लंबे समय से उनके छत्र साहब हम लोग राजनीति शुरू किए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे समय पर मिलना जुलना आवश्यक है, तो इसीलिए अभी टाइम दिया। अगर इन 2 सीटों पर सर निषाद पार्टी को उम्मीदवारी दावेदारी नहीं मिलती है, तो आपको लगता है कि बीजेपी को इन सीटों के अलावा और सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है? एक बड़ी आबादी है निषाद समाज की। देखिए, जो कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास अभी 2019 जो उतरा 2024 का, उसमें जो निषाद पार्टी के सिंबल का चुनाव न लड़ने से हमको लगता है कि जो क्योंकि वोट पब्लिक तो डालती है, लेकिन कार्यकर्ता उसे डलवाता है और कार्यकर्ता एक सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलता है, तो कार्यकर्ता अपने सम्मान की लड़ाई के लिए पार्टी को, क्योंकि देखिए तो कार्यकर्ता पार्टी के सिंबल को देखकर पार्टी के झंडे टोपी नारे जय निषाद अपनी समस्याओं को, उसका एक विचारधारा है, उसे सम्मान प्राप्त करने के लिए पार्टी खड़ा बड़ा करता है, तो निश्चित रूप से 2024 में कुछ अपेक्षित परिणाम जो नहीं आए, जो आंशिक सफलता विपक्ष मिली, उसमें यह भी एक कारण रहा कि निषाद पार्टी को सिंबल न मिलना, चूँकि एक बड़ा मेजर वोट है और कार्यकर्ता भी ढेर सारे हर एक सीटों पर है। नहीं, ये भी चर्चा है सर कि अगर एक सीट भी मिलती है तो आप लोगों के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा, तो आपको लगता है निषाद कंफ्यूज होगा सर? नहीं, अभी तो फिलहाल जब बैठक होगी तो बैठक के बाद जो आता है तो फिर उस पर चर्चा करेंगे, अभी जब कोई चर्चा ही नहीं इस पर है। लेकिन तो आप चाहते हैं कि ये 2 सीटें जो हैं वो निषाद समाज, निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ी थी और निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रखी है और आगे भी तैयारी कर रखे। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि मझुआ और कटहरी सीट निषाद का समाज को मिलनी चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।